लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका एमडी राइजन प्रेजेंट्स स्काई स्पोर्ट्स लीग 2021 पावर्ड बाय वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक प्लेटफॉर्म पार्टनर गो गेम डॉट लाइव कनेक्टिविटी पार्टनर एट फाइबर नेट ब्रॉडकास्ट पार्टनर लोको मैं उस पीरियड में साथ जुड़ रहे हैं गेम्स एंड आज इट्स बेस्ट वर्सेस बेस्ट कोलकाता वर्सेस बैंगलोर। लेकिन लाइटनिंग पास तैयार थे और काफी अच्छा और इंजन के देखा जाए तो स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया है, विजन का ब्लॉक किया गया है और ब्लॉक ग्राउंड भी यहाँ पर लगा दिया जाएगा। एक दो डाइस सिचुएशन थी स्पिन हो गया पर स्मोक भी यहाँ पर स्पिन यूज किया गया इसकी रोशनी जाएंगे। एक राइट क्लिक का ब्लू स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट था वहाँ पर, लेकिन एवान तैयार थे, उनको अंदाजा लग चुका था, उनको इंटेल ऑलरेडी मिल चुका था। 2v2 का सिनेरियो यहां पर हो चुका है, स्नैक्स वहां पर हैवन को टेक डाउन करेंगे बट अभी के लिए यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर अकेले खिलाड़ी बचते हुए नजर आ रहे हैं आप कोलकाता के रैक्सिस हीरो। Well, it's the biggest Valorant tournament and Snacks is hungry. But क्या Snacks clutch out कर सकते हैं? It's Snacks versus Rexy. कोलकाता अभी बहुत अच्छा खेलती position reveal हो चुकी है। It is the pistol round. SK Rothy एक kill निकालते हुए Flex के ऊपर, but A1 straight away Rothy को trade करेंगे। Flex का मुझे वहाँ पर idea समझ में नहीं है कि वो वापस kill क्यों रहे, लेकिन Death Taker वापस back to back दो kills निकालेंगे। Snacks and Kappa का situation अभी भी अगर देखा है इस पर कोलकाता के favor में, Rexy भी वापस kills को take down करेंगे। 3v1 करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या spike front होते नजर आएगा? Let's find out. लेकिन lightning pass पीछे की साइड से गाइस मेरे को कोई अंदाजा नहीं था वापस हुए। देखिए lightning pass is a game changer, उनका फॉर्म बहुत खुश है, इसके लिए death maker यहां पे जरूर आ गए हैं, एक ऑपरेटर लेके यहां पे हैं और अगर वो किल निकाल लेते हैं तो चल जी हां किल निकालेंगे। कापा के ऊपर किल निकल चुकी है, snacks is there and yeah snacks यहां पे क्लच कर सकते हैं। lightning pass is there as well, lightning pass is looking really good, death maker is there, क्या यहां पे एक 1v1 में lightning pass को टेक डाउन कर सकते हैं, that is the important thing। क्योंकि डेथ मेकर अब धीरे आगे जरूर जा रहे हैं, एक अच्छा गाइडिंग लाइट यहाँ पे आता नजर आएगा, पोजीशन भी लग चुके लाइटिंग पास डेथ मेकर को टेक डाउन करते हुए एंड मेरे ख्याल से सेव करने की कोशिश करेंगे बट आई डोंट थिंक बैंगलोर उनको सेव करने देंगे। तीन खिलाड़ी एक ही बात यहाँ पर स्नैक्स यहाँ पे बैक स्नैप करते हैं आपको नजर आ सकते हैं, दैट इज अ क्रूशियल क्रूशियल पोजीशन कमिंग इन फ्रॉम फ्लैश बट रॉसी यहाँ पे डेथ मेकर को टेक डाउन करते हैं। रॉसी यहाँ पे तीन प्लेयर लगातार रॉसी विद अ 4k एपा में शुरुआत चुके हैं, एडवांटेज है और वो जो खिलाड़ी गवाया है वो भी एसके किसी को गवाया है जिनके पास ऑपरेटर थी एंड हियर यू गो फ्लेक्स इज देयर एंड फ्लेक्स इज रिपिंग थिंग्स अपार्ट ये डैमेज देके भी जाएगा स्नैक्स को, तीसरा किल भी यहाँ पर, तो स्नैक्स की तरफ से गलती शायद उनको पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर कापा किल निकाल पाएंगे, ऑपरेटर उनके हाथ में है और बूम बटन पर डेथ मेकर वुड बी टेकन डाउन बाय एसके रॉसी एंड हियर यू गो इट इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ गेम्स ऑफ क्या बैंगलोर यहाँ पे ओटी में जा सकता है। चांसेस तो मुझे लग रहे हैं बट अभी भी 45 का कुछ भी हो सकता है और ट्रिपल स्ट्राइक का भी इस्तेमाल किया जाता है, एक लॉकडाउन भी यहाँ पर स्पीरो इस्तेमाल किया जाता है रिटेक के लिए बट यहाँ पर इंसेंटी आएगी और दो किल्स यहाँ पर निकाल के जाएंगे, स्किल्स बहुत ही शानदार। पहला अगर खेल निकलता था डेथ मेकर यहाँ पे रॉसी को टेक डाउन करेंगे, एडवांटेज जाता हुआ टीम कोलकाता ट्राइडेंट्स के पास भी है जरूर। दूसरा खेल भी निकाल गया, तीसरा खेल भी यहाँ पर निकाल चुके, अब प्लेस ड्रॉप भी यहाँ पर नेबल करते हुए दोनों के दोनों खिलाड़ी अगर देखेंगे स्पीड बिल्कुल कैरी को पास को होल्ड कर रहे हैं। एक और खेल यहाँ पर निकाले जा सकते हैं ब्रेड स्टॉक के द्वारा और काफी अच्छा यहाँ पर एक जब तक उनके पास नंबर का एडवांटेज है उनके पास तो शायद माइट भी अभी ये चीज का इस्तेमाल करते ना है वहाँ पर रोटी की पोजीशन क्रूशियल है और जैसे मैंने बात करी स्वे विद द थर्ड क्या स्वे यहां पे एस के लिए जा सकती है, स्वे जाने की कोशिश करिए, कापा यहां पे आते हैं एक किल निकालते हैं, कापा विद द डबल एंड एडवांटेज, कापा धीरे धीरे अपने फेवर में लाइफ लेके जाते हुए, कापा विद द थर्ड एंड कापा इज जस्ट ऑन फायर राइट हियर राइट नाउ। फ्लेक्स इज देयर, फ्लेक्स यहां पे पोजीशन निकालने की कोशिश करें, 30 HP है कापा की, 31 HP है कापा की, पोजीशन निकाल सके दो दो ही प्लेयर्स की, डिफ्यूज का टाइम जाता जा रहा है, जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतनी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी उनके लिए, बट यहां पर लाइटनिंग पास रिएक्शन का यूज किया जाएगा बिकॉज यू नो इको राउंड है, एक और किल जाता है या फिर एक और किल के साथ एक्टिव विद द थर्ड, हे बात एक्चुअली एक खिलाड़ी मौजूद है
देखिए अभी वेट किया जा रहा है, जैसे ही पिक करेंगे दो टीम का किल निकाल सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे एक अच्छा फुटबॉल आती नजर आएगी एंड रॉसी वाज रेडी फॉर डेथ में करन, जैसे पिक आया किल निकालते हुए नजर आए। इट्स 2v3, रॉसी की एचपी थोड़ी सी लो जरूर है लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आप फ्लेक्स किल निकाल सकते हैं, किल जरूर निकालेंगे। लाइटनिंग पास कवर देते हुए यहाँ पे काफा को प्लांट हो जाएगा एंड यही चीज की हम बात पहले कर रहे थे, हे वन द इंडियन नॉकर। इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू is here and he might not know the kill what just happened here. ये कंफर्म कर दिया, आप उसको बंद कर देते हैं लेकिन क्या ये निकल सकता है। हिटिंग पास तैयार थे इस चीज के लिए, बैक टू बैक दो किल्स निकाले हैं, फिर और भी यहां पर डेथ को निकालेंगे एंड यहां पर जीरो आखिर खिलाड़ी जो है यहां पर जीजे रिपोर्ट छोड़ देते हैं। अभी किल नहीं निकल पाए, डेथ मेकर स्किप को एकदम करेंगे एंड चापा डेथ मेकर को एक शॉट काट के साथ लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। निकल चुके हैं जी नहीं, मैचमेकर अभी यहाँ पर लाइव है तो एक उम्मीद है। देखिए होता है ना कि आप रिजरेक्शन करते हैं आप मर जाते हैं बचाने के चक्कर में, बट जिसको रिजरेक्ट किया है वो बचाता है। लुक एट दैट, इट्स नॉट हैपनिंग। यहाँ पे टाइम बहुत क्रूशियल है, क्या यहाँ पे डिफ्यूज करा जा सकता है यहाँ पर की ही साइड को, तो यहाँ पर आप बोलिए बी साइड पे आप प्लांट कर सकते हैं। लाइटिंग फास्ट एक और अच्छा खेल निकालते हुए, आई थिंक ये अंत की शुरुआत हो सकती है, बट वन यहाँ पे लाइटिंग फास्ट को टेकडाउन करते हुए आपको नजर आए। फ्लेक्स इज देयर, बैक स्टेप रोकना भी बहुत जरूरी है। फ्लेक्स यहाँ पे पीछे रुके हुए हैं और मैं देखना चाहूंगा क्या यहाँ पे बैक स्टेप को रोका जा सकता है, बट अभी प्लांट करना बहुत जरूरी है। स्नैक्स इज देयर, स्टैक मेकर स्नैक्स को टेकडाउन करते हुए आपको मेक श्योर दैट यू विन दिस राउंड, इफ यू डोंट इट्स गेम ओवर, इट्स 1-1 इन द मैप फेज। शायद फिर यहाँ पर बार बार ये अगर आप देखेंगे किल यहाँ पर निकाला गया है लेकिन शायद माइट भी वो इसलिए दे रहे थे ताकि उनका रिजर्वेशन यहाँ पर रखें, लॉकडाउन यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा। क्या ये यहाँ पर एक 12-11 देखने को मिल सकता है, यस वो आगे बढ़ेंगे आपको हाइट करने मिलेगा, इसकी रोशनी टेक डाउन करेंगे, आखिरी खिलाड़ी बच रखे यहाँ पर। यहाँ पे आगे आने वाले ऑलरेडी थिंक दे चुके थे हेल्थमेकर को लेकिन डेथमेकर भी यहाँ पे हेडशॉट खाने के बावजूद अभी भी सरवाइव करने में सक्सेसफुल हो गए। नॉट जस्ट दैट, उन्होंने एसके रॉसी को भी टेक डाउन कर दिया है और साथ साथ हेल रेंजर भी काफी हुए थे लेकिन यहाँ पर डैमेज निकाल सकते हैं, एक को निकाला जरूर किया यहाँ पर फ्लैक्स को लेकिन वे एंड है वन। उसके बाद डेथमेकर भी किल निकालते हुए काफी मुझे लगा था कि आफ्टर सेकंड राउंड हमें एक ऑपरेटर देखने को मिल सकती है, बट अभी भी ग्रेनेड यहाँ पर बचाए गए हैं, काफी सटीक निशान है यहाँ पर लाइटनिंग पास, क्योंकि उनको पता था कि अपोनेंट के पास यहाँ पर गन्स तो नहीं रहेगी। लेकिन एक और खेल काफी ज्यादा काफा का भी निकल चुके हैं, एक और खेल यहाँ पर निकालते हैं, तीसरा खेल भी, चौथे खेल के लिए भी जा रहे हैं और डेथ टेकर भी कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आएंगे। ब्लेड स्टॉर्म रहने वाला उनके पास प्लांट इनिशिएट किया जा रहा है, पीछे से हैवान आते हैं, यहाँ पे नाइफ पहले की पूरी चांस थी लेकिन हैवान रिस्पेक्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द ओपोनेंट टीम एंड ऑफ द ओपोनेंट प्लेयर्स नाइफ नहीं करेंगे एंड एक राउंड आता है कोलकाता के पास। एंड इन्फॉर्मेशन भी जरूर उनको मिल जाएगा, कापा पैरोना के साथ यहाँ पे चाहे तो आगे जा सकते हैं। अगर बात करेंगे फ्लेक्स की, इमीडिएटली शट डाउन करेंगे लाइटनिंग पास को, यहाँ पे सिंगल नहीं डबल लक्स में देखने का मौका मिल रहा है। दो प्लेयर्स यहाँ पे सिटी की तरफ से आगे आने वाले, रॉसी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। स्नैक्स यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज करते हुए डेथ मेकर अभी भी है मौजूद है वहाँ पे, फैंटम लेके आगे आते हैं, हेल रेंजर को यूटिलाइज करेंगे, डेथ मेकर गोइंग इन विद अ डबल एसके, रॉसी प्लेडिंग इट ऑफ लेकिन दो प्लेयर्स यहाँ पे लक्स से आगे आते हुए, हैवान वर्सेस रॉसी, इट्स गोइंग टू बी अ 1v1, 73 HP vs 100 HP एंड बिल्कुल। लेकिन अगर बात करेंगे हैवान को यहाँ पे रोका गया इमीडिएटली लाइटिंग पास की, अगर बात करेंगे वो अपना टेकल डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, एक प्लेयर को स्पॉटिंग करते लेकिन यहाँ पे चूक आउट करेंगे, दो प्लेयर को तीन प्लेयर एलिमिनेट करने की बेहतरीन चांस थी लेकिन फाइनली यहाँ पे फ्लेक्स पे डाउन करेंगे उनका पोजीशन। एसके रॉसी को यहाँ पे शट डाउन किया गया है, न्यूरोसेफ का इस्तेमाल किया जाएगा एंड एक सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है कोलकाता के में काफी ज्यादा। लाइटनिंग पास पहला किल सिक्योर करते हुए दूसरा किल के लिए वो आगे बढ़ेंगे लेकिन वो साइबर केज है एंड डेथ मेकर वापस साइबर केज पे ले चुके थे, शायद इसका अंदाजा बिल्कुल भी उनको था नहीं, तो जितना हो सके 18 सेकंड यहां पर बच रखे हैं। प्लांट करना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, शायद अब आफ्टर प्लांट ही के लिए खेला जाएगा लेकिन जैसे स्पाइक प्लांट होगा एक खतरनाक दूरी हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन आप देखने के देखिए आगे जाते हैं, यहाँ पे एक एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे एक मौका है, 3 सेकंड का समय है, क्या यहाँ पे कापा को एलिमिनेट कर पाएंगे? इट्स अ बैक ऑफ द प्लस हियर नो एंड यहाँ पे आखिरी सेकंड यहाँ पे क्लच करके जाते हैं टू प्लेयर्स फ्रॉम दैट ब्लेड स्टॉर्म। Deathmaker, what a try this was one of the best tries that I